Bonjour les enfants, comment ça va? I hope you all are doing well. So children, in the last class I told you about the book exercises and I promised you we will do the workbook exercises in the next class. So quickly open your fourth page of your lesson number one in workbook. Lesson 1, comment ça va? The first question is, Trouve les mots meli melo. Find the jumble words. Okay, jumble words you all know. Like the first one is given U-S-T-A-L. And we have done this. Salut. It's easy. Now the second one. I think this will also you will guess. What will be the answer? Arwa. Arwa means bye. Salut means hello. Then, abianto. Is it true? Abianto. Yes. Abianto means see you soon. Then, bonjour. Bonjour means good morning. Next one is bienvenue. Bienvenue means welcome. Okay. Now, next question. Trouve le mot coro. Okay. Find the correct word. करेक्ट वर्ड आपको फाइंड आउट करना है. पहला एब्रीविएशन आपको दिया है एम डॉट एंड द सेकेंड एब्रीविएशन गिवन एम एम ई मदाम मिस यू. तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको बहुत सारी स्पेलिंग्स दी हैं, आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है. यू हैव टू लुक एट द स्पेलिंग्स एंड देन करेक्ट आंसर. सो फर्स्ट वन विल बी एब्रीविएशन मिस यू. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मिस यू? आई थिंक दिस वन एंड मदाम this one. Okay, next one, écris le voyelle mecon ensuite appelle le pronom. Write the missing vowels then spell the names. अब यहाँ पे कुछ vowels missing हैं, आपको इन में vowels fill up करके word बनाना है. It can be a name, it can be a noun, anything. Okay, for example, number one में मुझे ये लग रहा है William. ठीक है, तो फ्रेंच में हमने विलियम को हम क्या बोलते हैं बेटा? विलियम. ओके, विलियम, वी डब्ल्यू आई डबल एल आई ए एम. ओके, नेक्स्ट वन आई थिंक इट इज जेवियर. जेवियर इन फ्रेंच वी विल कॉल जेवियर. नेक्स्ट वन इज जू. सो जू को हम फ्रेंच में प्रोनाउंस करेंगे जुए. ओके, जुए, Zoe, because इसके ऊपर ऑक्सो लगता है. नेक्स्ट वन इज what इज दिस? दिस इज also वन नेम. ओके, आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देती हूँ. इसे हम बोलते हैं कौन तो, कौन तो, क्यू यू ई एन टी आई एन, कौन ता, कौन ता. ओके, दिस इज also a name, French name. The next one is Nicole. Nicole is also a name. This one, Karen. Karen. This is also a name. Okay, so we have filled the vowels. Now, fourth question, अभी आपको छोड़ना है, because इसके लिए listening practice चाहिए हमें, ठीक है? तो fourth हम अभी छोड़ देंगे. Now, the fifth one, Cherchez les mots dans la grille puis relier avec l'image. What you have to do? Search the words in the grid, then match with the pictures. यहाँ पे कुछ pictures आपको दी हुई हैं और इस box में कुछ letters दिए हैं. आपको इसमें से सही word select करना है. So for example, first सबसे पहले हमें दिख रहा है, this is a cafe. So cafe मुझे ये दिख रहा है. Next one, journal. This is journal. Oh, थोड़ा सा मेरा mistake हो गया, आप अच्छे से बना लेना. This one is mount. Mountain को हम mount भी बोलते हैं. This one, voiture, car. Yes, this one is voiture.
एंड लास्ट वन द गर्ल. सो गर्ल भी हो सकता है और या फिर गर्ल क्या कर रही है, डांस. तो हमें या तो फील देखना है या फिर डांस देखना है. तो यहाँ पे एफ तो मुझे ऐसे कहीं दिख नहीं रहा है, डांस ज़रूर दिख रहा है. सो यू कैन राइट डाउन डांस. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, राइट क्वेश्चन नंबर 5 इन योर नोटबुक, मेक दिस पिक्चर्स एंड मेक दिस ग्रिड एंड देन राइट द आंसर्स ए बी सी डी ई करके. ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. थ्रूव ए एक्रीलेमो, फाइंड एंड राइट द वर्ड्स. अब आप यहाँ पे देखो, एक पिक्चर बनी हुई है किसी पर्सन की और इसमें बहुत सारे वर्ड्स ज्वाइन करके लिखे हैं. हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें से वर्ड्स को फाइंड आउट करना है. तो एज आई कैन सी हियर, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो दिस इज़ नोन एज जिले. जिले मतलब होता है वेस्ट, आपका वेस्ट. ओके, नाउ बोंसुआ, बोंसुआ आपको पता है, बोंसुआ मतलब गुड इवनिंग. देन शात, शात मीन्स होता है कैट. ओके, देन अगेन वी विल टर्न इट, ओम, एच ओ डबल एम ई, ओम मीन्स मैन. बन न्यूई, बन न्यूई मीन्स गुड नाइट. नेक्स्ट वन वी से इमाज, इमाज इज ओ, सो सॉरी आई यूज माई पेन. ओके, इमाज इज इमेज. देन लिव्र इज बुक एंड लास्ट वन इज यो यो इज अ टॉय. ओके, सो नाउ हाउ मेनी वर्ड्स वी हैव, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड आई थिंक 8 लाइन्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7 8 यस. व्हाट यू हैव टू डू, राइट ऑल दीज 8 वर्ड्स हियर. ओके, ये भी आप बना सकते हैं अपनी बुक में इजीली. नाउ इन द नेक्स्ट पेज, ओके, सेवेंथ वन इज एकूते आइडेंटिफिए लेमाश, लिसन एंड आइडेंटिफाई द इमाज. अब आपको लिसनिंग के लिए अगेन मुझे लिसनिंग सेशन करवाना पड़ेगा, सो इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, सो आई जस्ट कट इट डाउन. ओके, वी आर कटिंग दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रिले मैच. अब इसमें हमने क्वेश्चंस दिए हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं, तो आपको करना है रिप्लाई. कामोसावा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ कामोसावा, सवाबिया. यस, दिस वन विल बी द फर्स्ट वन, ए. ओके, कामतालेवू, जवेबिया मेसी, और वाजेवियर, और फिर भी द आंसर आदमा विलियम, यस इट. और बनुइजो, बंजूर ने कौन थी. अब इसमें क्या होगा बताओ, देखो जब औरवा जेवियर है, हम किसी को बाय कर रहे हैं, तो आंसर आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए बंजूर ने कौन थे. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज बनुइजो. देयर इज अ ट्रिक, अब मैं बताती हूँ आपको. बनुई हम किसी को बाय करते टाइम बोलते हैं, और बंजूरने ऑल्सो जब हम किसी को लीव करते हैं तब बोलते हैं. ठीक है, बंजूरने मीन्स हैव अ गुड डे एंड बनुई मीन्स हैव अ गुड नाइट. सो ये दोनों सेम है, तो इसको हम मैच करेंगे डी के साथ. और वा मतलब बाय बाय जेवियर, सी यू टुमारो अदमा, ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, कोश ला बन रेपॉन्स, टिक द करेक्ट आंसर, दिस यू विल नो. ला कैपिटल द ला फ्रांस, नीस ओ पारी, पारी, वेरी गुड. सो यू हैव टू क्रॉस इट, हम हमेशा आंसर को क्रॉस करते हैं जब भी आंसर करेक्ट होता है फ्रेंच में. वील फ्रांस से तुलूस, रोम इज इन इटली. ओके, कॉन्टिनेंट द ला फ्रांस, इन विच कॉन्टिनेंट फ्रांस इज, एशिया और यूरोप, इट्स यूरोप. उत्तर नोम द ला फ्रांस, ला एक्सागन और ला त्रियंगल, ला एक्सागन, अदर नेम ऑफ फ्रांस. ला फ्रांस ए ऑन्त्र ला मेर मेडिटेरियन, ए ला मेर रूश और ला मांज, जो मेडिटेरियन सी है वो किन दो सी के बीच, लाइक फ्रांस जो है वो किन दो सीज के बीच में है, मॉन्च. ओके, सो ये हमेशा हम याद करेंगे जब भी हमें फ्रेंच में
मल्टीपल चॉइस में करेक्ट आंसर चूज करना है, सो वी विल कट द आंसर, करेक्ट आंसर. ओके, सो देर आर टोटल 9 क्वेश्चन चिल्ड्रन, इनमें से हमने 2 क्वेश्चन को कट किया है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन मुझे आपकी कॉपी में चाहिए. ठीक है, ये हम करेंगे. इसके बाद आई विल बी शेयरिंग वन रिविजन शीट एज वेल. ओके, सो आप रिविजन शीट में बैठ के वो रिविजन वर्क भी करेंगे, प्लस आपका वर्कबुक एंड टेक्स्ट बुक. ओके फाइन. ओके चिल्ड्रन, सो दैट्स इट फॉर टुडे. डू वेल, रिविजन करिए फिर से, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. ओके फाइन, थैंक यू, अहोबा.